नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डीकेटी क्लब में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं यहाँ पे एक रेडियो है, ये मेरे पास ओल्ड है और ये कोई ज़्यादा हालत ख़राब नहीं है इसकी, ये मानो सही हालत का है। और मैं आपको इसमें एक ब्लूटूथ लगा के दिखाऊंगा, यानी इसमें आप ब्लूटूथ से भी गाना प्ले कर सकते हो। और आप चाहो तो इसमें आप अपना बैंड चेंज करके आप इसका इस तरह का एक बैंड लगा देंगे यहाँ पे हम, इसको चेंज करके आप इसमें रेडियो भी चला सकते हो, मतलब अपने समाचार वगैरह हैं जो हैं वो सब कुछ सुन सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये खोल लिया है यहाँ पे, और इसकी जो सेल वगैरह हैं ये बिल्कुल लो हैं, इसकी सेल है, इनको निकाल दूंगा मैं यहाँ पे, कोई इनकी ज़रूरत नहीं है, सेल की बिल्कुल लो है ये, तो इनको निकाल लेंगे बाहर इस तरीके से। इसके बाद आपको इसके कनेक्शन बता दूँ, यहाँ पर ये बहुत ही सिंपल है, यहाँ से ये देखिए दो वायर जा रहे हैं यहाँ पे, ये एक यहाँ से एक यहाँ से, आपको दिखा दूँ ये वाले दो वायर। तो एक वायर तो जो नेगेटिव है वो डायरेक्ट बोर्ड में जाएगा, ये देखिए ये वाला डायरेक्ट बोर्ड के ग्राउंड में, ये ग्राउंड होता है इसका प्रिंट, ये काफ़ी बड़ा होता है, हर जगह मिल जाएगा ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ भी ये जितने भी बड़े बड़े प्रिंट होंगे ना इधर, जो हर तरफ आपको दिखेगा वो ग्राउंड होगा, जैसे ये है काफ़ी जगह पर। और हीट सिंक के साथ जो है ये कनेक्ट रहता है, तो ये तो अपना ग्राउंड हो गया और ये ग्राउंड डायरेक्ट है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, आपको बड़ी कन्फ्यूजन होती है वॉल्यूम में, पांच पिन के ही में, पांच और तीन यहाँ पे आप देख सकते हो, इधर यहाँ पे तीन यहाँ पे हैं और दो इसकी ऊपर दी हुई हैं, ये तीन और दो ऊपर। तो इसमें बड़ी कन्फ्यूजन है कि इसमें क्या चक्कर है, ये जो होती है ये होती है इसकी वॉल्यूम की तीन जो नीचे वाली हैं, और ये जो ऊपर वाली होती है ना स्विच की होती हैं, जैसे कोई सिंपल स्विच हो ना, सिंपल स्विच होता है ऑन ऑफ करने के लिए, सेम वही चीज़ है, बस इसके अंदर एक ऑप्शन फालतू दे देते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये जो वर्क कर रहा है ये स्विच वर्क कर रहा है, इसके बाद जो है अपना वॉल्यूम वर्क करता है। तो इन्होंने यहाँ पे ये वायर पॉजिटिव है वाइट वायर, और यहाँ से पॉजिटिव पहले यहाँ पे दिया है स्विच, स्विच के बाद ये भी बोर्ड में चला गया। अब आते हैं इसकी बात पे कि इसमें क्या करना है, आपको पहले इसका रेडियो चला के दिखा दूँ। तो मैं यहाँ पे इसको हटा लूँगा वायर को, पहले आपको रेडियो चला के दिखा देता हूँ। तो इसका जो रेडियो चलाने के लिए मैं यहाँ पे बैटरी का यूज़ करूँगा, 4 वोल्टेज की बैटरी, और इसको बिल्कुल आपको इसी के साथ कनेक्ट कर देनी है जहाँ पे इसके जो मेन वायर लगे हुए थे उसी के साथ। तो मैं यहाँ पे इसको सोल्डर कर देता हूँ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ। इसके बाद ये जो पॉजिटिव है इसको मैं डायरेक्ट पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दूंगा, यानी यहाँ पे ये पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लेंगे। तो अभी इसमें कुछ खास नहीं है, बिल्कुल पॉजिटिव की जगह पे पॉजिटिव लगाया है और अपना जो है रेडियो वर्क करने लग गया, ऑन था रेडियो तो वर्क करने लग गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका जो स्विच है वो वर्क नहीं कर रहा, सबसे पहले आपको दिखा दूँ, ये देखिए यहाँ से ऑन था लेकिन वर्क नहीं कर रहा, कोई साउंड नहीं आ रही, अब साउंड आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये अपना जो स्विच वर्क नहीं कर रहा, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसके वायर लगा देता हूँ, स्विच से कोई कनेक्शन नहीं है, ये मानो ऊपर वाले दोनों पॉइंट का अब कोई काम नहीं रह गया। तो यहाँ से तो इस तरीके से ये कनेक्ट हो गया अपना। अब आपको इसकी कनेक्शन समझा देता हूँ फ्रेंड्स, पहले इसको बंद कर लेता हूँ। इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, दो सेक्शन होते हैं, एक होता है एफएम यानी रेडियो का सेक्शन और दूसरा होता है एम्पलीफायर सेक्शन, और इसी आईसी के अंदर एम्पलीफायर सेक्शन होता है। तो जो हमारी एम्पलीफायर सेक्शन है ना उसमें हमको सिग्नल देना है ब्लूटूथ का, ऑडियो सिग्नल देना है जिससे वो एम्पलीफाई हो जाए। जैसे ये बोर्ड है इसके अंदर इन्होंने दो आईसी अलग अलग दी है, ये रेडियो की आईसी है और ये एम्पलीफायर आईसी है, इधर का जो सेक्शन है एम्पलीफाई करता है ऑडियो को। तो सिंपल ये है कि जब इसमें वॉल्यूम के वायर दिए हैं तो यहाँ से एक इससे वॉल्यूम आ रही है ऑडियो एम्पलीफायर के लिए, और यहाँ पे अपनी जो है रेडियो की है, तो रेडियो की वॉल्यूम को हमको हटा के जो ऑडियो आ रही है रेडियो से उसको हटा के, और यहाँ पे हमको क्या करना है कि हमें ब्लूटूथ की ऑडियो दे देनी है। सिंपल है, बहुत सिंपल, और इसके बाद आपको सर्किट डायग्राम पर भी मैं समझा दूँगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है हमको ब्लूटूथ मॉड्यूल की, तो ये होता है एक ब्लूटूथ मॉड्यूल, और इसकी ये जो दो वायर हैं ये वाली ये इसकी ऑडियो के लिए, और ये है इसकी जो है इनपुट के लिए 5 वोल्टेज देने के लिए 4 वोल्टेज के लिए। और यहाँ पे आपको तो इसकी ये वायर हो गई, तो इसकी जो है ना आपको नेगेटिव तो डायरेक्ट लगा देना है नेगेटिव के साथ, जहाँ पे पूरा बोर्ड का नेगेटिव है यानी इसका रेडियो का, वहाँ पर
जहाँ पे अपनी बैटरी का नेगेटिव आया आके लग रहा है वहाँ पे आपको इसका नेगेटिव लगा देना है, जहाँ पे अपनी बैटरी का नेगेटिव है, और इसका जो पॉजिटिव है ना उसमें लगाना है हमको इस तरीके का स्विच। अगर आपके पास ये ना हो तो आप कोई भी ले सकते हो। तो इसमें आपको एक स्विच लगा देना है जिससे कि हम इसकी जो है ब्लूटूथ को ऑन ऑफ कर सकें, इसकी जब हमें रेडियो चलाना हो तो इसकी ब्लूटूथ को हम ऑन ऑफ कर सकें और अपने रेडियो को चला लें। फ्रेंड्स अगर आपके पास ये स्विच ना हो तो आप डायरेक्ट भी इसको लगा सकते हैं, मैं डायरेक्ट का भी कनेक्शन बता दूंगा। इस तरह अपना स्विच लग गया। अब दूसरी साइड इसकी जो ऑडियो की वायर है ना सिग्नल की, यानी अपनी ये वायर है, इसको इधर लगा लेंगे हम। आपको इसको ध्यान से समझना है, यहाँ पे बहुत ही ईजी कनेक्शन है ये इस तरीके से। इसके बाद आपको क्या करना है, जो ऑडियो का वायर है, ऑडियो इनपुट का जो अपने एम्पलीफायर में ऑडियो देता है, उसका वायर हमको इसके बीच वाले पे लगाना है। एम्पलीफायर का जो सेक्शन का है उसको अपने बीच वाले पॉइंट पे। फ्रेंड्स ये वायर लगने के बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा दूं कि आईसी में ना इधर से ऑडियो निकलती है और फिर इस वॉल्यूम से होते हुए कंट्रोल होके और अपने एम्पलीफाइड सेक्शन में चली जाती है। तो यहाँ पे क्या करना है कि जो एम्पलीफाई सेक्शन का एक वायर है, अपना जो एम्पलीफाइड सेक्शन का वायर है उसको यूं ही लगा रहने देना है जैसे लगा है, लेकिन जो ऑडियो रेडियो की तरफ से आउटपुट हो रही है उस पर आपको एक वायर लगाना है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से, ये मैंने लगा लिया यहाँ पे। और इस वायर को आपको जहाँ पे हमने ये लगाया था अपना ब्लूटूथ मॉड्यूल, इसके ठीक सामने वाले पे लगाना है जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये जो बीच वाला बचा हुआ है ना फ्रेंड्स, ये जो बीच वाला पॉइंट बचा हुआ है इस पे आपको वॉल्यूम पे जा रहा है जो वायर, वॉल्यूम से होते हुए ऑडियो यानी एम्पलीफायर के लिए जा रहा है, उसको लगाना है बीच वाले पे। जैसे ही हम इसको ऊपर कर देंगे तो अपना रेडियो चलने लग जाएगा, इधर से आएगी साउंड रेडियो की तरफ से और इस स्विच से कंट्रोल होके ऊपर चली जाएगी और अपना ब्लूटूथ ऑफ रहेगा इस तरीके से। और ब्लूटूथ मॉड्यूल का, अब यहाँ पे एक वायर बचा हुआ है ब्लूटूथ मॉड्यूल का ग्राउंड, इसको आपको कहीं पे भी लगा देना है ग्राउंड पे, यानी जो माइनस पॉइंट है उस पर कहीं पे भी लगा देना है जहाँ माइनस है इसका, इस तरीके से। अब बात करते हैं इसकी पावर देने के लिए, ब्लूटूथ को पावर देने के लिए। तो मैं पावर देने के लिए यहाँ पे एक वायर ले लूँगा और इसको आपको रेडियो के यानी बैटरी है उससे आपको पावर दे देनी है। यहाँ पे मैं लगा लूँगा और डायरेक्ट आपको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है, क्योंकि स्विच अब इसमें ये स्विच पावर यानी ऑडियो चेंज करने के काम भी आएगा और अपना जो ब्लूटूथ मॉड्यूल को ऑन ऑफ करने के। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपका इस बोर्ड में पॉजिटिव हो आपको पॉजिटिव लगा देना है वहाँ पे। और मैं इसके बाद आपको सर्किट डायग्राम भी दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद इसमें जो है ये वाला स्विच सिस्टम था ये बिल्कुल ख़राब है, तो स्विच सिस्टम भी मैं इसी में कर दूंगा। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको जम्पर वायर लेना है और जम्पर वायर से इन दोनों को आपस में शॉर्ट कर देना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट। इसको इसलिए फ्रेंड्स करना है इस तरीके से कि इस बोर्ड जो अपना ये बोर्ड है इसको दोनों टाइम पावर चाहिए, यानी जब इसका रेडियो सेक्शन ऑन हो तब भी इसको पावर चाहिए और इसका ब्लूटूथ सेक्शन ऑन हो तब भी इसको पावर चाहिए। तो ऊपर की तरफ हमारे ब्लूटूथ के सिस्टम है यानी ब्लूटूथ सिस्टम है, तो ब्लूटूथ सिस्टम से भी इसमें ऑडियो चली जाए इसलिए। तो इस तरीके से जैसे मैं कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ इस तरीके से करना है। और अब इसकी टेस्टिंग करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि इसके जो कनेक्शन है वो सारे हो चुके हैं कंप्लीट। और अब इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ यानी इसको अलग कर देता हूँ, और आप चाहो तो इसको भी निकाल सकते हो, तो मैं इसको भी निकाल लूँगा, खाली दो चीज़ का ही काम है। लेकिन इसके अंदर जो क्या है फ्रेंड्स के स्पीकर फिक्स्ड है तो इस वजह से इसे निकालने में कोई वो नहीं है फ़ायदा। तो ये आपके सामने ये सारे कनेक्शन। और अब इसकी पहले रेडियो टेस्टिंग दिखा दूँगा आपको रेडियो की तरफ करके इसको। तो यहाँ पे ये ब्लूटूथ है, इधर रेडियो चल गया इसका, ये देखिए ऑडियो का यहाँ पे रेडियो चल गया। और यहाँ से इसको मिलाने पे इसमें गाने वगैरह रेडियो में जो कुछ चलता होगा वो आपका चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रेडियो चल गया अपना। अब इसके बाद आपको सुनना है इसकी ब्लूटूथ की साउंड। तो यहाँ पे ये ऑफ हो गया, बिल्कुल ऑफ है, ना तो ब्लूटूथ चल रही ना रेडियो चल रहा। और इधर इसकी ब्लूटूथ चल गई, आपको इसकी साउंड तेज करके दिखा दूँ दोबारा, और तेज कर लेता हूँ इसकी साउंड, काफ़ी तेज है। तो ये आपकी ब्लूटूथ साउंड हो गई, और आपको इससे ब्लूटूथ कनेक्ट करके दिखा दूँ। तो मैं यहाँ पे सेटिंग खोल लेता हूँ और ब्लूटूथ आपके सामने यही मॉड्यूल है, ये कनेक्ट हो जाएगा।
तो ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि इस फोन से ये काफ़ी बार कनेक्ट हो चुका है, तो यहाँ पे कनेक्टिंग होने लगी और कनेक्ट होते ही ये आवाज़ भी देगा एक, तो आपने साउंड सुनी, इससे साउंड आई। अब इसमें एक NCS प्ले कराएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं YouTube को खोल लेता हूँ अपने को और एक NCS प्ले करता हूँ। तो फ्रेंड्स इसकी जो है गाने चल चुके हैं और मैंने इसकी आवाज़ बहुत कम कर रखी है क्योंकि रात का समय और रात में तेज़ चलाऊंगा तो समझो कोई जग के मेरे को मारेगा, लेकिन आपको तब भी सुना दूं। तो इसकी आप आवाज़ सुन सकते हो कितनी अच्छी साउंड आ रही है, इससे बहुत ही अच्छी साउंड आ रही है, बिल्कुल भी कोई भर भर नहीं कर रहा और बहुत ही अच्छी इससे साउंड है। आपको दोबारा सॉरी चला के दिखा दूँ इसको। और फ्रेंड्स ये सब आपके सामने ही है, ये देखिए बिल्कुल आपके सामने है, जो कुछ भी है कोई इससे एक्स्ट्रा वायर नहीं है और ये आपको अच्छी तरीके से बॉडी में फिट कर लेना है। यहाँ से बैंड बदलने पे इसका FM चल जाएगा रेडियो, ये देखिए आपको रेडियो चला के दिखा दूँ। तो इसका रेडियो चल गया और अपनी ब्लूटूथ है वो अपने आप बंद हो जाएगी यहाँ पर, ये देखिए पुश हो गया गाना अपने आप ही। और दोबारा ब्लूटूथ चलाते हैं इसकी, तो ये ब्लूटूथ चल जाएगी अब इसकी। और अब इसकी दोबारा ब्लूटूथ एम्पलीफायर चला के दिखा दूंगा आपको एक और बार अच्छी तरीके से। तो फ्रेंड्स चलिए इसके अब सर्किट डायग्राम देखते हैं। फ्रेंड्स ये इसके सर्किट डायग्राम है, आपको इसके सर्किट डायग्राम दिखा दूंगी एक बार अच्छी तरीके से, समझना है आपको, स्किप नहीं करना। फ्रेंड्स बहुत से भाई क्या करते हैं कि वीडियो को करते हैं स्किप और उनकी फिर कुछ समझ में आता नहीं है और वो फिर मारते हैं वीडियो को डिसलाइक क्योंकि उनकी समझ में नहीं आता, वो करते हैं स्किप। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बैटरी के बता दूं, ये देखिए बैटरी जो है इसके अंदर, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है तो दोनों बोर्ड यानी दोनों सेक्शन एम्पलीफाई फायर और रेडियो सेक्शन दोनों में अपनी जो बैटरी कनेक्ट है, मतलब जैसे ही पूरी प्लेट में जाएगी, ये प्लेट मैंने दो भागों में बांट दिया है यहाँ पे दो भाग यहाँ पे, तो जैसे ही यहाँ में जाएगी तो यहाँ पे भी इसके अंदर जो बैटरी का नेगेटिव पहुँच जाएगा, तो ये नेगेटिव है वो डायरेक्ट है सभी पे। यहाँ पे देखिए ब्लूटूथ के भी अंदर मैंने नेगेटिव है और अपना यहाँ पे और यहाँ पे। इसके बाद देखिए पॉजिटिव के मैंने कनेक्शन कैसे दिए, यहाँ पे बैटरी है, बैटरी के बाद यहाँ पे मैंने स्विच बताया था आपको, ये देखिए बैटरी का वायर ये आ रहा, आपको दिखा दूँ, ये रहा बैटरी का वायर और ये इस तरीके से यहाँ पे, तो बैटरी, बैटरी के बाद स्विच और स्विच पे ये इस तरीके से जंपर वायर लगा दिया है, तो यहाँ पे ये जंपर वायर है। अगर आप यहाँ पे डायोड लगा सकते हो तो इससे क्या होगा कि आपका जो है रेडियो के टाइम आपका ब्लूटूथ मॉड्यूल ऑफ हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे डायोड लगाता तो ज़्यादा झंझट पड़ जाता आपकी, फिर और नहीं समझ में आता कुछ। और इसके बाद जो इसके कनेक्शन है ना ऑडियो सेक्शन के, जितने भी ऑडियो की वायर हैं वो मैंने येलो कलर की बनाई है, तो यहाँ पे देखिए ऑडियो एक वायर यहाँ से आउटपुट हो रही है ऑडियो की और ये टोन पे इस स्विच से होते हुए टोन पे जा रही है, मैंने आपको वीडियो में बताया, और फिर टोन से कंट्रोल होकर अपने ऑडियो एम्पलीफाइड सेक्शन में चली जाती है, यानी स्विच, स्विच के बाद टोन पे जाएगी यहाँ पे और यहाँ से कंट्रोल होकर ये टोन है इस तरीके से चला जाएगा। ये इसके ब्लूटूथ कनेक्शन है, ब्लूटूथ में एक तरफ देखिए तीन वायर हैं और एक तरफ दो वायर हैं ऊपर की साइड, आपको दिखा दूँ, तो ये जो दोनों वायर हैं वो यहाँ पे दिए दिए मैंने ब्लूटूथ के, और जो एक वायर है यहाँ पे इस तरीके से, एक वायर इसका कनेक्ट नहीं किया, ये देखिए यहाँ पे छूटा हुआ है, एक वायर किसी के साथ कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे भी ये छूटा हुआ है, किसी के साथ कनेक्ट नहीं है, ये इस तरीके से जाएगा और यहाँ पे जा रहा है, ये मैंने आपको पहले बताया था ना यहाँ पे ये तीन आ रहे हैं, एक टोन के लिए, एक रेडियो और एक ब्लूटूथ, तो यहाँ पे ये तीनों आ रहे हैं यहाँ पे देख सकते हो। तो फ्रेंड्स ये इसके कनेक्शन हो गए। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर दो, चैनल न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।